नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एकता और देसी कुकिंग विद एकता में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वेज कसाड़िया या टाकोस की रेसिपी, इसे आप टाकोस कह सकते हैं या वेज कसाड़िया कहिए। बहुत ही स्वादिष्ट, घर में मौजूद सामान से हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आते हैं, बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो आइए बिना देर किए वेज किसाड़िया या टाकोस की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा और उसके साथ हमने लिया है एक कटोरी मैदा। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों मिक्स करके ले लिया है। मात्रा हमें बिल्कुल सेम रखना है, जितना हम आटा लेंगे बिल्कुल उतना ही मैदा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने यह नमक डाला, साथ में मैंने बेकिंग सोडा डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच डाला है। आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच तेल डाल दिया है, 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। आप चाहें तो बटर का यूज़ कीजिए, बटर से और भी अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। बस आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिए इसका। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, तेल और नमक वगैरह जो भी हमने डाला है सब अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। बस अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल करके एक अच्छा सा डो बना करके तैयार करेंगे। आधा कप के करीब पानी जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा डो बनेगा, बिल्कुल जैसा रोटी के लिए जैसा हम आटा गूंद के तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें यहाँ पर भी तैयार करना है। और जब ये तैयार हो जाए तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए और तेल लेकर के चारों तरफ से अच्छे से मिला करके एक बार वापस से गूंद कर इसे ढक करके रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप 1 घंटे के लिए भी रखना चाहें तो इसे रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए अगर आप रखेंगे तो और भी अच्छा हमारा ये टाकोस बनेगा। तो चलिए अब हम इसे ढक के रख देते हैं और इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कीजिए और इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाल दीजिए। और जब तेल अच्छे हीट पे गर्म हो जाए तब हम तुरंत इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, मैंने बारीक काटा है, और वो डाल करके इसे बस हल्का सा इसे कलर चेंज हो जाए, बस पिंक हो जाए, बहुत ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, बस इसका कलर पिंक हो जाए तब तक फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद आप इसमें तुरंत ऐड कर दीजिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के साथ मैं यहाँ पर गाजर डाल देती हूँ बारीक काट करके। और बस इन तीनों को 1 मिनट ही आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने से इसका कलर चला जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल और पीली शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको जो सब्ज़ी पसंद है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सब्जियों को डालिए और अच्छे तरह से आप फ्राई कीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जियाँ जब भी आप डालें बहुत ही अच्छे से बारीक काट करके या बारीक चॉपर में चॉप करके ही डालें। और बस अच्छे से मिलाइए, करीब 1 से 1.5 मिनट ही आपको इसे मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से कूट लिया है और कूट करके मैं डाल देती हूँ इसमें। और लहसुन की कलियाँ डाली और अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिए करीबन 1 मिनट। और 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डालती हूँ स्वीट कॉर्न, इसे मैंने उबाल करके रखा है और इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, मैंने 1 कप के करीब इसमें स्वीट कॉर्न डाला है। और एक बार वापस से आप इसे 1 मिनट चला लीजिए। अच्छी तरह मिलाने के बाद यहाँ पर आप डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डाल करके हम यहाँ पर डालेंगे पनीर, मैंने 50 ग्राम पनीर का यूज़ किया है, इसे कद्दूकस करके डाल दीजिए। साथ ही में हमने लिया है उबला हुआ आलू, 1 बड़ा साइज़ का आलू है उबला हुआ, और हम इसे भी इसमें डाल देंगे कद्दूकस करके, इसे डाल दीजिए। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जो हर घर में अवेलेबल हो, जो सामान मैंने इसमें डाला है। तो बस आप इसमें आलू डाल दीजिए और आलू डाल करके आप इसे एक बार वापस से चला लीजिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे चीज़, अगर आपको पसंद है तो डालिए या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ डाल दिया है, थोड़ा सा चीज़ डाला है, बस 1 स्लाइस मैंने डाला है। साथ ही में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और गैस को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाला है, या फिर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए, गैस बंद रहेगा तब आप चीज़ डालिए। और चलिए तब अब हम इसे साइड में करते हैं, और तब तक अब हम एक सॉस बना करके तैयार करते हैं जो कि हम टाकोस के ऊपर लगाएंगे। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज ले लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब। और अब मैं इसके साथ डाल देती हूँ यहाँ पे टोमेटो सॉस, 1 से 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस डालिए। और साथ ही में डालिए यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, अगर आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा सा ये सॉस एक तैयार हो गया जो हम टाकोस के ऊपर लगाएंगे। तो बस अच्छे से मिला लीजिए। अब हम डो को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से डो को एक बार मिला करके रख लेते हैं और एक लोई निकालेंगे इसका, एक बड़ी
बड़ी सी लोई है मैंने यहाँ पर निकाल करके तैयार किया है। यहाँ पर एक लोई हमने काट लिया है और बस अच्छे से इसे रोल कर लीजिए, बिल्कुल रोटी के जैसा हमें इसे बेल लेना है। और आप जितना पतला इसे बेल सकते हैं उतना ही टैकोज अच्छा बनेगा। चकले पे लगाइए सूखा आटा, दोनों साइड से सूखा आटा अच्छे से लगा करके और इसे एक अच्छा सा रोटी का शेप दे करके तैयार कीजिए। अगर आप इसे पतला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टैकोज बनेगा। बस आप सूखा आटा लगाइए और जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेल करके तैयार कर लीजिए। अच्छी तरह से बेल लीजिए। अब क्या करना है, हमें एक कटोरी ले लेना है या फिर आप एक ग्लास ले लीजिए और उसकी मदद से आप इसमें जितने छोटे छोटे से सर्कल सा आप कट लगा सकते हैं। देखिए जैसे पूड़ी का रहता है ना शेप, बिल्कुल वैसा हमने इसमें लगा करके तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पे दो निकाला है पहले और बस इसी तरह से सारे आपको बना लेने हैं। अब हम एक नॉनस्टिक तवा ले लेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन टैकोस को हमें सेक लेना है। बस इस पर आप रख दीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखिए और हल्के हल्के आप इसे सेक करके तैयार कर लीजिए। बस ये देखिए कलर जब तक इसका चेंज हो जाए, हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए तब तक आपको इसे सेक लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे गोल गोल घुमा घुमा करके आप अच्छे से अलट पलट करके दोनों साइड से इसे सेक लीजिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे टैकोस सिक करके तैयार हो चुका है। अब जो हो गया है उसे निकाल दीजिए और दूसरा आप इसमें ऐड करके उसे भी अच्छी तरह से सेक लीजिए। टैकोस भी सिक कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले सबको हमने अरेंज कर लिया अच्छी तरह से। एक टैकोस ले लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस जो हमने बना करके रखा था मेयोनीज का, वो सॉस डालिए और अच्छे से फैला लीजिए। और फैला करके बहुत ही अच्छे से आपको फैलाना है। आप यहाँ पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं या सिर्फ सॉस से भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टफिंग रख देती हूँ। स्टफिंग सिर्फ हमें आधे में रखना है। अगर आप चाहें तो ऊपर से आप पनीर रख सकते हैं या फिर आप चीज़ के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही इसे किया है क्योंकि पहले भी मैंने इसमें चीज़ डाला हुआ है। बस अच्छे से आप इसे आधे में रखिए और इसे फोल्ड कर दीजिए। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बिना फोल्ड किए एक के ऊपर एक टैकोस रख कर के भी चारों तरफ से स्टफिंग भर के भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस एक ही तरह से बनाया है ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ही आपको सारे टैकोस को तैयार कर लेना है। और अब हम इसे चलिए सेक लेते हैं। तो जब आपको गर्मा गर्म इसे सर्व करना हो तभी आप इसे सेकिए या फिर आप इस तरह से स्टफिंग करके रख सकते हैं और बच्चों को जब टिफ़िन में देना हो तभी आप इसे दे सकते हो। गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। बस अच्छी तरह से आप इसे मोड़िए और चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉनस्टिक पैन लिया है। तो सबसे पहले हम तवे पर टैकोस को ऐसे ही रख देंगे और फिर एक साइड से जब ये सिक जाए वापस से तब आप इसे पलट करके दूसरे साइड से भी सेक लीजिए। और जब ये सेक के तैयार हो जाए तब आप इस पर लगाइए बटर। आप घी या तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से दोनों साइड से कलर आने तक आप इसे सेक लीजिए बटर या घी लगा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैकोस हमारा बन के तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म टैकोस आप इंजॉय कीजिए और जो आपका पक गया है टैकोस वो उसे आप निकाल करके साइड में रख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बटर लगा दिया अच्छे से और वापस हम इसे पलट पलट करके सेक लेते हैं और देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका। गर्मा गर्म हमारा टैकोस बनके तैयार हो चुका है। आप इंजॉय कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से और घर के मौजूद सामान से हमने बनाया है वेज खिचड़िया। तो चलिए बिना देर किए आप ही फटाफट से बनाइए। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी बहुत ही पसंद से खाते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।